हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वंदना दवे फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट. वेलकम टू अवर लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो टुडेज अवर टॉपिक इज फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले हम आज का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन है वो अभी हम देखेंगे. तो आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो टोटल आपके 6 टाइप के फंक्शन है, जो सभी हम देखेंगे और उसको सभी को डिफाइन करेंगे टर्न बाय टर्न. तो ये है हमारे फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. तो कौन कौन से फंक्शंस है, तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है स्टाफिंग, उसके बाद है डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग और लास्ट में आपका है कोऑर्डिनेशन. तो ये सभी फंक्शंस है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. तो हमें इससे पहले अगर मैनेजमेंट देगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट देगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देगा, तो क्या है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो हमें देखा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास कोई वर्क आया है, कोई ऑर्डर आया है, क्लियर, तो आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है. तो वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होगा कि आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन है विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाए और गुड क्वालिटी, यानी कि अच्छी क्वालिटी में वो कंप्लीट हो जाए. ऐसा नहीं कि टाइम से पहले कंप्लीट होगा लेकिन हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो मेंटेन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता. गुड क्वालिटी भी होनी चाहिए और विद इन टाइम लिमिट भी होना चाहिए. इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. अभी हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट है इसका प्लानिंग करेंगे, उसके बाद शेड्यूलिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसके बाद स्टाफिंग करेंगे, उसके बाद डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन. टोटल आपके 6 स्टेप है अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है. तो ये आपका फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है जो बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी. तो अभी हम आपका टर्न बाय टर्न सभी फंक्शंस देखेंगे. तो फर्स्ट आपका है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. अभी हम यहां पे फर्स्ट आपका जो है वो डिफाइन करेंगे. प्लानिंग किसको बोलेंगे और शेड्यूलिंग किसको बोलेंगे. सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए इसका प्लानिंग करना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इसका शेड्यूलिंग करेंगे. तो प्लानिंग कैसे होगा, तो कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, इसके अंदर जिस जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेआउट प्लान रेडी करेंगे. उसके बाद इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होगी, टर्म्स क्या होगी, कंडीशंस क्या होगी, वो सब कुछ देखेंगे. और ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे और कब करेंगे, यानी कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, ये सब कुछ आपके जो प्लानिंग है इसके मेन एम है. तो आपका प्लानिंग क्या होगा कि आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट है
कोई भी प्रोजेक्ट को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसका लेआउट बनाएंगे, यानी कि प्रोजेक्ट का लेआउट बनाएंगे, उसके बाद ये कब करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है एंड व्हेन टू डू, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये तीनों आपके प्लानिंग के मेन एम है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट पे इसका प्लानिंग कैसे होगा, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट पे उसको हम स्मॉल एलिमेंट्स में, यानी कि प्रोजेक्ट में क्या करना है, उसके अंदर क्या क्या आपकी मुश्किलें आ सकती है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्लियर, इसका एम क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, क्या क्या इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं, वो सब कुछ एलिमेंट हमें देखना है, स्मॉल एलिमेंट्स। उसके बाद इसका लेआउट प्लान राइट करना है, क्लियर, और ये कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये तीनों आपके जो प्लानिंग के जो मेन एम है वो हमको देखने हैं। अगर आपका प्लानिंग हो गया है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको शेड्यूलिंग करना है, यानी कि व्हेन टू डू, कब करना है, तो वो आपका हो जाएगा शेड्यूलिंग, क्लियर। तो शेड्यूलिंग अगर आप देखें तो कोई भी आपका जो वर्क है इसको हम शेड्यूल कैसे करेंगे, तो इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके लिए हम जो भी टाइम पीरियड है वो अलॉट करेंगे और उसके बाद वो एक्टिविटी है इसको हम कंप्लीटली ऑर्डर में या फिर सीक्वेंस में रखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे शेड्यूलिंग। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है इसको हमने इसका प्लानिंग कर दिया है, शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, जितने भी आपके स्मॉल एलिमेंट्स है या फिर जितनी भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट, इसको हम क्या करेंगे, टाइम अलॉट करेंगे, क्लियर। टाइम अलॉट करने के बाद इसको प्रॉपर सीक्वेंस में, सीक्वेंस में हम रखेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में रखने के बाद इसका हम शेड्यूलिंग करेंगे, यानी कि टाइम कितना होगा, इसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, कौन सी एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है अगर हम, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, सपोज कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो आपका वर्क करना है, आपको बिल्ड करनी है, बिल्डिंग बिल्ड करनी है, तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी बिल्डिंग अगर आपको बनानी है, इसके लिए अगर आपका ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन करना होगा। लेकिन फाउंडेशन ऐसे तो नहीं होगा, आपका जो ग्राउंड लेवल है वहां से आपको क्या करना होगा,
क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का लिखा है ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा? तो जितने भी आपके सेक्शंस हमने लिए या फिर एक्टिविटी में कन्वर्ट किया, इसको हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसको रखेंगे, और इसके बाद जो भी पर्सन है जिसमें एक्सपर्ट है उसको हम वो एक्टिविटी अलॉट करेंगे, क्लियर, और एक फ्लो चार्ट रेडी करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा कि आपका जो भी हमने शेड्यूलिंग में किया, टाइम अलॉट कर दिया, उसके बाद आपका जो भी एक्टिविटी था तो उसको स्मॉल सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो इसका रिस्पेक्टेड जो भी पर्सन है उसको हमने वो वर्क अलॉट कर दिया, और इसका हमने क्या किया, फ्लो चार्ट बनाया। तो ये आपका होगा ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका आगे भी आएगा ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्टडी में आएगा आगे, तो इसको हम डिटेल में वहां पे देखेंगे। उसके बाद आपका क्या है, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में क्या होगा, तो स्टाफिंग में आपका जितने भी अलग अलग स्मॉल सेक्शन है उसके लिए आपको स्टाफिंग की रिक्रूटमेंट लगानी होगी। यहाँ पे आपके जितने भी स्मॉल सेक्शन थे यानी कि एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, इसके लिए आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट। यानी कि आपका जो भी प्रॉपर एक्टिविटी था उसको हमने अलॉट कर दिया, स्टाफिंग कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी स्टाफिंग है उसको हमें ट्रेनिंग देनी है और उसको डायरेक्शन देना है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्टिंग। और मेन एम इसका क्या है कि आपके जो नीचे के जितने भी अधिकारी है इसके लिए आपका क्रिएटिव इसका एफर्ट रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मोटिवेट करना है, तो ये आपका मेन एम रहेगा डायरेक्शन का, डायरेक्टिंग का। आपका जो सब कोऑर्डिनेटर है या फिर कोऑर्डिनेटर भी है उसको भी आपको क्रिएटिव एफर्ट के लिए मोटिवेट करना है। तो आपका डायरेक्टिंग क्या होगा कि आपके जितने भी सेक्शन है उसमें स्टाफिंग हो गया, उसके बाद आपका ट्रेनिंग देनी है आपको जो भी आपका सब ऑर्डिनेट है या फिर जो भी निचले अधिकारी है इसको आपको ट्रेनिंग देनी है। तो स्टाफ को जो ट्रेनिंग है वो आपका हो जाएगा डायरेक्टिंग, यानी कि आपका जो एक्टिविटी का जो या फिर अलग अलग जो स्मॉल सेक्शन थे उसके लिए हमने स्टाफ अलॉट कर दिया, तो उस स्टाफ को इसकी जो ट्रेनिंग है उसको हम बोलेंगे डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है आपका, है डायरेक्शन दिखाना, तो वो आपका हो जाएगा ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग आपका हो जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद है कंट्रोलिंग, नंबर 5 पे आपका है कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग में क्या होगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कंट्रोल होना? क्योंकि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट कंट्रोल नहीं है दैट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट आपका कांस्टेंट जो डायरेक्शन में जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। यानी कि हमें जो एम आपका जो प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग आपका जो प्लानिंग था तो वो क्या था प्लानिंग? तो आपका कोई एम था, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, तो इसका एम क्या होता है? हमने जो डेफिनेशन लिखी है इसमें क्या था? विद इन 9 मिनट था और गुड क्वालिटी थी। तो आपका जो एम है वो लेने के लिए हमें हमारे प्रोजेक्ट कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आपका क्या होगा? कंट्रोल ही नहीं होगा प्रोजेक्ट पे तो आपका विद इन 9 मिनट पॉसिबल ही नहीं है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। यानी कि अगर आपका 2 ईयर का कोई प्रोजेक्ट है तो आपका 3 ईयर हो जाए तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं गया होगा। इसीलिए आपका प्रोजेक्ट का कंट्रोलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि विद इन 9 मिनट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो वो आपका हो गया कंट्रोलिंग। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फंक्शन जिसके अंदर हमने आज देखा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग देखा, उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसके बाद हमने देखा स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्शन यानी कि डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन भी देखा। तो सब कुछ हमने जो स्मॉल एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किए वो सब कुछ आपका फंक्शंस है। उसमें हमने प्लानिंग में क्या किया सबसे पहले? तो प्लानिंग में हमने सबसे पहले किया आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका प्लान किया, यानी कि व्हेन टू डू, हाउ टू डू और व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। उसके बाद हमने शेड्यूलिंग किया, इसको टाइम लिमिट दी, क्लियर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, जो भी आपके स्मॉल एलिमेंट्स थे या फिर एक्टिविटी थी उसमें हमने स्टाफ देके उसका फ्लो चार्ट बनाया। स्टाफिंग में क्या किया कि इसको हमें प्रॉपर सेक्शन वाइज हमें स्टाफिंग किया यानी कि स्टाफ को अलर्ट किया। उसके बाद डायरेक्टिंग में क्या किया, हमें हमारे जो भी सब कोऑर्डिनेटर या फिर निचले जो भी अधिकारी है उसको हमने डायरेक्शन दिया। उसके बाद कंट्रोलिंग यानी कि प्रोजेक्ट का कंट्रोलिंग होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, डिले हो जाएगा। उसके बाद हमने किया कोऑर्डिनेशन जो आपका लास्ट में है, यानी कि अलग अलग जो भी आपकी एक्टिविटीज है या फिर जो जो स्मॉल एलिमेंट्स है या फिर स्मॉल सेक्शन है सभी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जिसके अंदर हमने 6 पार्ट्स देखे। तो आपका यह फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो गया। जो आपके टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो अभी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो अभी आपका था ये फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सो थैंक यू फॉर द